उस समय 5 गांव मांगे थे भाई। भगवान कृष्ण ने तो पहले कहा, जब वो समझौता कराने के लिए गए थे, महाभारत का युद्ध टालने के लिए गए थे, कि देना हो तो आधा दो। लेकिन इसमें भी यदि बाधा है तो दे दो केवल 5 ग्राम, लेकिन वो 5 गांव। लेकिन यहां तो इस समाज सैकड़ों वर्षों से यहां की आस्था केवल 3 के लिए बात कर रही है। 3 की जो 500 वर्षों के एक लंबे अंतराल को सनातन हिंदू धर्मावलंबियों ने व्यतीत किया, आज रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त न केवल वह, बल्कि रामलला वहां प्रत्यक्ष रूप से विराजमान भी हुए कि हमने वचन निभाया और मंदिर वही बनाया। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक नए रूप में नजर आए। योगी आदित्यनाथ ने महाभारत काल का जिक्र करते हुए कहा कि कौरवों और पांडवों का समझौता कराने गए भगवान श्री कृष्ण ने तो 5 गांव मांगे थे। सनातन परंपरा के संत और हिंदू समाज तो आज सिर्फ 3 गांव ही मांग रहे हैं। आप खुद ही सुन लीजिए, कौन से 3 गांव मांग लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा, वे हम काहे इंतजार कर रहे। उन्होंने भी इंतजार किए बगैर रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले। और हमारे अद्भुत अलौकिक अविस्मरणीय क्षण था, वो हर व्यक्ति गौरवान्वित था, गौरव की अनुभूति कर रहा था। और गौरव की अनुभूति इसलिए कर रहा था कि 500 वर्षों के एक लंबे अंतराल तक चले लंबे संघर्ष, लंबी कवायद, लंबा वाद विवाद सर्वानुमति के साथ उसका समाधान का रास्ता निकला और पूरे देश की जनभावनाओं के अनुरूप आज रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त न केवल हुआ है, बल्कि रामलला वहां प्रत्यक्ष रूप से विराजमान भी हुए और सबकी उपस्थिति दुनिया के अंदर पहली घटना थी जहां प्रभु को अपने स्वयं के अस्तित्व के लिए स्वयं प्रमाण जुटाने पड़े थे, स्वयं प्रमाण जुटाने पड़े थे। लेकिन राम की मर्यादा हमें धैर्य की प्रेरणा देती है। उस धैर्य के साथ जो 500 वर्षों के एक लंबे अंतराल को सनातन हिंदू धर्मावलंबियों ने व्यतीत किया, ये वे धैर्य उस प्रसन्नता के रूप में, दीपोत्सव के रूप में, आतिशबाजी के रूप में 22 जनवरी को पूरे हिंदुस्तान के अंदर और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी हम देख रहे थे, हर ओर से एक ही आवाज आ रही थी। अद्भुत क्षण था और हमें प्रसन्नता इस बात की थी, हम अंतःकरण से प्रसन्नता इस बात की थी कि प्रभु तो विराजमान हुए हैं, उनके भव्य और दिव्य प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ है, भारत के गौरव की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। भगवान श्री कृष्ण को बंधक बनाने का कुत्सित प्रयास किया, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला, यही तो हुआ था। यही तो हुआ था अयोध्या के साथ और यही हुआ काशी के साथ और यही हुआ था मथुरा के साथ भी। हमने यही तो कहा, उस समय 5 गांव मांगे थे भाई। भगवान कृष्ण ने तो पहले कहा, जब वो समझौता कराने के लिए गए थे, महाभारत का युद्ध टालने के लिए गए थे, कि भी देना हो तो आधा दो। लेकिन इसमें भी यदि बाधा है तो दे दो केवल 5 ग्राम, लेकिन वो 5 गांव। लेकिन यहां तो इस समाज सैकड़ों वर्षों से यहां की आस्था केवल 3 के लिए बात कर रही है। 3